Good afternoon, class 8. How are you? I hope all you are fine. This is your computer class and this is your textbook, class 8. This is your computer textbook. Now I'm start chapter number 3, more on qubits. I will continue the chapter. I explained some topics already in your previous class. Now I'm start today's topic. The today's topics are class मैंने आपको operator समझाया था, ठीक है class? Page number 24. This is your page number 24, ठीक है class? Page number 24 पे मैंने आपको operator समझाए थे. अब operators में आपको एक बार और किसने बता देती हूँ operators क्या होते हैं. Operator, ठीक है? Operators यानी कि हम जब QBASIC में आप command देते हो, तो आप जब कमांड दे रहे हो तो इसमें कमांड में आप कोई भी कैलकुलेशन के लिए दे रहे हो कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है. लाइक कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल ऑपरेटर आर ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. तीन टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. अरिथमेटिक क्या होते हैं? अरिथमेटिक में आपका आता है The operator which operates on a numeric constant and variable is called the arithmetic operator. जो numeric constant और variable वो आपके arithmetic operator होते हैं, जैसे कि addition, subtraction, multiplication, division, exponential, parenthesis. ठीक है, ये आपके इसके symbol दे रखे हैं आपके और example दे रखे हैं, ठीक है. अब relational operator क्या होता है? Relational operator होते हैं जब हम दो values को compare करते हैं, ठीक है. Equal to, not equal to, greater than, not less than, greater than, equal than. ये जब दो values देखो हम equal, जब equals का हम जब operator use कर रहे हैं तो आपको ये अच्छे से पता है कि आप जब equal कर रहे हो तो यानी दो values दे रखी होंगी, ठीक है. दो values दे रखी होंगी तभी आप comparison कर सकते हो कि ये equal है या नहीं. अगर हम unequal नहीं है तो भी और है तो भी. और अगर आप ग्रेटर ग्रेटर का साइन लगाते हो तो ग्रेटर में भी दो वैल्यूज दे रखी होती हैं तभी आप ग्रेटर का आप साइन यूज कर सकते हो. तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो आपकी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. अगर इक्वल है तो देन ट्रू, वी विल गिव आंसर इन ट्रू. इफ इट इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल टू, देन वी विल गिव आंसर फॉल्स. ओके क्लास, तो आपकी एक टेबल दे रखी है इसमें, पेज नंबर 25 में ये टेबल दे रखी है. आप इस टेबल में हम पढ़ेंगे. आपका दे रखा है फर्स्ट ऑपरेटर इक्वल टू. इक्वल टू का आपको सिंबल पता है, इक्वल का क्या होता है, इसमें कैसे फंक्शन का है, टू चेक क्वालिटी बिटवीन टू और मोर वैल्यू. जब दो वैल्यूज के बीच में आप क्वालिटी चेक कर रहे हो इक्वल है या नहीं तो आप उसमें दोगे. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है लेट एस इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू थ्री. तो यहाँ पर जैसे कि सपोज इक्वल टू यूज कर रहे हैं आपको, देखो इक्वल है अगर x इज इक्वल टू y, यानी x या y की इक्वल है, x दे रखा है 2, y दे रखा है 3, तो ये दोनों इक्वल है? नो, फॉल्स. अगर सपोज टू बी x और y इक्वल है, x भी 3 होता है y भी 3 होता है तो 2 आ जाता. नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू में क्या है आपका, इसमें नॉट इक्वल टू में दो साइन दे रखे हैं, ग्रेटर देन लेस देन दोनों. जब दोनों वैल्यूज, इफ द टू और मोर, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज इक्वल नहीं होती हैं तो हम यहाँ यूज करते हैं क्या. अब इसमें यहाँ पे एक्स और वाई, अगर इसमें एक्स दे रखा है क्या वाई से छोटा है, वाई दे रखा है क्या एक्स से बड़ा है, नहीं है, तो इसमें ऑलरेडी साइन दिया हुआ है इसमें कि नहीं है. दो वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है, एक्स जो है वो वाई से छोटा है, वाई जो है वो एक्स से बड़ा है, यानी कि इन्होंने दो साइन दे रखे हैं तो ऑलरेडी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ टू और थ्री एक्स दे रखा था, यहाँ पे टू और थ्री हमने एज्यूम किया था टू है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी फॉल्स में. अब यहाँ दे रखा है आपको ऑलरेडी नॉट इक्वल टू, क्या वे पूछा है क्या ये इक्वल नहीं है, तो यस टू इक्वल नहीं है. नेक्स्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जब दो वैल्यूज दे रखी होती हैं तो हमें बताना है ग्रेटर देन, ठीक है. राइट, अब इसमें दे रखी हैं दो वैल्यूज हैं, इसमें भी फॉल्स आ जाएगा. आपको दे रखा है साइन एक्स क्या वाई के
एक्स, आपको ग्रेटर देन का साइन लगाया है तो यानी कि एक्स बड़ा है, तो फॉल्स, नहीं एक्स बड़ा नहीं है, वाई बड़ा है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। लेस देन में आपको पता है जब दो वैल्यू के बीच, दो वैल्यू में आप लेस देन कैलकुलेट करते हो, छोटा कौन सा है, तो आपने बताया इसमें एक्स और वाई दे रखा था, एक्स वाई, तो लेस देन है एक्स, हाँ छोटा था क्योंकि टू दे रखी थी और यहाँ थ्री था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब आपको बताना है कि दो वैल्यूज दे रखी हैं, दो या दो से ज्यादा वैल्यू, या तो बड़ी हैं या वो इक्वल है, ठीक है, तो इसमें आपका है बड़ी है और इक्वल है, तो फॉल्स, ये ना ये वैल्यू बड़ी है ना इक्वल, तो फॉल्स आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू, क्या छोटी है या हाँ, एक्स मैंने बताया था एक्स छोटा है, आ जाएगा इक्वल है और इक्वल टू, ठीक है, अगर और इक्वल टू सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू से इक्वल है टू आ जाएगा, ठीक है, ये हो गए आपके दो। हम जब कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज्यादा वैल्यूज का, तब हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल का मतलब समझ में आ रहा है, जब रिलेशन हम दो वैल्यूज का, जब हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वी हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं जब न्यूमेरिकल वैल्यूज में परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। दीज आर यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज्यादा रिलेशनल वैल्यूज यूज की जाती है, रिलेशनल अभी बताई है मैंने, रिलेशनल वैल्यूज यूज की जाती है, और एक रिलेशनल वैल्यू यूज करके हम एक एक्सप्रेशन वैल्यू हमें मिलती है, जो वो एक सिंगल रिलेशनल वैल्यू के सिंगल वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसमें यूज होते हैं एंड, लॉजिकल ऑपरेशन तीनों मैंने आपको तीन बताए थे, कौन से थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर के, अरिथमेटिक रिलेशनल लॉजिकल, ठीक है, रिलेशनल लॉजिकल। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि ये लॉजिकल, इसका मैंने समझा दिया, लॉजिकल हमेशा एंड और नॉट, तीन में वैल्यूज बताता है, ठीक है। इफ द बोथ ऑपरेट ऑपरेंड एंड कंडीशंस आर ट्रू, जब दोनों कंडीशंस एंड ट्रू हैं, देन द फाइनल रिजल्ट बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो या तो दोनों ऑपरेशन जो भी हैं वो ट्रू हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो भी होगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम वहाँ एंड यूज करेंगे। और इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड एंड कंडीशन इज ट्रू, अगर हम और यूज करेंगे, दो वैल्यूज दे रखी हैं, दो वैल्यूज में से एक सही है, तो एक ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, बीच में और यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एंड यूज कर रहे हैं, दो वैल्यूज हैं तो एक ट्रू भी वाली भी सही है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कंडीशन चेंज कर देंगे तो वो ट्रू होगी, और कंडीशन चेंज कर देंगे फॉल्स होगी, तो वहाँ एंड आएंगे और करेंगे, जब दोनों में से एक वैल्यू सही होगी, नॉट इट नेगेट द रिजल्ट ऑफ, जब कोई दोनों ही सही नहीं है ना, वैल्यू आपने दोनों वैल्यू जो दिए दोनों ही सही नहीं है, तो हम नॉट यूज करेंगे। अब आप पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, डेटा टाइप पढ़ लिया आपने, डेटा टाइप्स मैंने पढ़ा दिए थे कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप, अब हम ऑपरेटर्स पढ़ा दिए, हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स अलोंग विद ऑपरेटर्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट इज इवैल्यूएटेड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं और रिजल्ट इवैल्यूएटेड द डिजायर्ड रिजल्ट, हम जो रिजल्ट चाहते हैं उसको वैल्यूएट करने के लिए जब हम कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वो कहलाए जाते हैं एक्सप्रेशन। द रिजल्ट दैट वी गेट कैन बी द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलता है वो स्ट्रिंग, न्यूमेरिक या लॉजिकल ट्रू या फॉल्स की वैल्यू में मिलता है। द रिजल्ट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, स्टोर जो होता है रिजल्ट वेरिएबल में होता है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी और लेस देन सी, ठीक है। क्यूबॉइड वैल्यू दे रखी है 92, ब्रेड इंटू हाइट,
देयर कैन बी मोर देन वन ऑपरेटर इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन. तो इसमें आपके इनमें कोई इनमें एक वन ऑपरेटर मोर देन एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज किए गए हैं. इसमें देखोगे आप प्लस का यूज किया गया है और ग्रेट लेस देन का भी यूज किया गया है, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहला जाएगा. अब हम पीछे टेबल दे रखी है हायरार्किकल हायरार्कीज और ऑल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर. कौन से पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, तो हम यहाँ इक्वल आ जाएगा और नॉट आ जाएगा ऑपरेटर. एक्सपोनेंट है तो हम आप इसमें लगाओगे ग्रेटर देन एंड. मल्टीपल और डिवीजन है तो हम लेस देन और, बाकी सब में कुछ नहीं आएगा ऑपरेटर. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव टू बी कन्वर्टेड इन टू बेसिक एक्सप्रेशन बिफोर यूजिंग दैम इन प्रोग्रामिंग. अब पीछे दे रखा है एल्जेब्रिक, आपको वही एल्जेब्रा में जो भी यूज करते हो. अब चलो इतना ही काफ़ी है, अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट. जो आपको ये पढ़ाया है सिर्फ आपको लॉजिक ऑपरेटर्स और ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, बाकी ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट क्या होता है. एवरी कमांड और इंस्ट्रक्शन इन क्यू बेसिक इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. जो भी हम कमांड दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो स्टेटमेंट कहलाया जाता है. अ प्रोग्राम इन क्यू बेसिक इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट. यानी क्यू हम जो क्यू बेसिक के अंदर जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है अलग अलग स्टेटमेंट, यानी अलग अलग कमांड देते हैं, अलग अलग कमांड से ही प्रोग्राम बनता है क्यू बेसिक में. ईच स्टेटमेंट बिगिंस इन अ न्यू लाइन एंड ऑलवेज स्टार्ट विद क्यू बेसिक कमांड और शीवर. हर स्टेटमेंट यानी हर कमांड जो है वो नई लाइन से स्टार्ट होता है हमेशा, स्टार्ट जो होता है वो नई लाइन से होता है. क्यू बेसिक कमांड उसमें कीवर्ड जो दिया जाता है वो हमेशा क्यू बेसिक कमांड का यूज करते हैं. तो क्यू बेसिक कमांड आप आगे पढ़ोगे कौन कौन सी होती हैं. द वे इन विच अ स्टेटमेंट इज रिटन इज कॉल्ड जो भी सिंटैक्स होता है सिंटैक्स मेथड ऑफ राइटिंग या राइटिंग मेथड. तो सिंटैक्स होता है आपको जब द वे जो हम स्टेटमेंट जो भी यानी कि स्टेटमेंट जो भी कमांड दे रहे हैं उसमें मेथड में जिसमें लिख रहे हैं वो क्या जाता है इसका सिंटैक्स. यानी हम जो जो कमांड देंगे वो सिंटैक्स कहलाया जाएगा. तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कमांड है आर ई एम यानी रिमार्क. ठीक है, तो एक सिंटैक्स दे रखा है आर ई एम यानी कि सिंटैक्स क्या हो गया क्यू बेसिक. ये आर ई एम है रिमार्क, तो ये रिमार्क हो गया आपका सिंटैक्स. ठीक है, तो आर ई एम स्टैंड फॉर रिमार्क. रिमार्क इज यूज टू एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम टू गिव इट अ नेम अ कमेंट लाइन और एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम. तो रिमार्क यूज किया जाता है कोई भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है जिसमें हम कोई कमेंट लाइन में या कोई नेम देते हैं प्रोग्राम ऑफ अ प्रोग्राम नेम देते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम. इट इज यूज टू गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम सच एज द नेम. कोई हम नेम बता रहे हैं पर्सन, कोई भी हम नाम बता रहे हैं या पर्सन का नेम, कोई भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी होता है वो स्टार्ट होता है. और रेम स्टेटमेंट रिमार्क स्टेटमेंट डू नॉट अफेक्ट द वे ऑफ अ प्रोग्राम रन. तो रिमार्क कोई भी कमांड को जो है कमांड स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता. देखो सबसे पहले दे रखा है सिंटैक्स हो गया रिमार्क. हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं आर ई एम इज दिस प्रोग्राम शोज द यूज ऑफ रिमार्क कमांड. एग्जाम्पल है रिमार्क दिया हमने, हम सी एल एस दे रहे हैं. ठीक है, क्लियर स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन. तो प्रिंट आर ई एम नो रिजल्ट व्हेन इट यूज कोट्स. जब हम कोट्स यूज करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा. रिमार्क एग्जाम्पल आ जाएगा हमें. ठीक है, रिमार्क एग्जाम्पल आर ई एम आ जाएगा. ठीक है, आर ई एम नो रिजल्ट व्हेन यूजिंग कोट्स. ठीक है, हमने कोट्स यूज करेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा. सी एल एस कमांड होती है यूज हमने जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको क्लियर करने के लिए. ठीक है, अब सी एल एस हो गया प्रिंट वर्किंग इन क्यू बेसिक आपको इरेज कर देगा. लेट कमांड पीछे पेज नंबर 28. लेट कमांड यूज होती है कोई भी हम न्यूमेरिक या वैल्यू जो हमको न्यूमेरिक वैल्यू देंगे यानी कि लेट सम. लेट मानते हैं ना, तो हम लेट सम हम न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो भी दे रहे हैं वो हम देंगे लेट से. इनपुट कमांड दी जाती है, इनपुट कमांड टेक्स फ्रॉम द यूजर. इनपुट कमांड दी जाती है जैसे कि हमने दी है लास्ट में सी एल एस
रिमार्क इनपुट कमांड एग्जांपल इनपुट कमांड दी जाती है, कोई भी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो यूजर गिव्स द डेटा दैट आर असाइंड टू अ वेरिएबल, जो भी क्वेश्चन मार्क है जो भी यूज किया जाता है वो कहलाया जाता है इनपुट में देते हैं। क्लास के एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बाकी कल एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स का, ठीक है क्लास। इसमें आगे आप पढ़ोगे सारी कमांड्स हैं, कमांड्स एक बार पढ़ोगे फिर आपने कौन सी कमांड्स में यूज करते हो, सी एल एस प्रिंट, प्रिंट कमांड जो है हमें जब आंसर चाहिए होता है तो प्रिंट कमांड यूज करते हैं, ये सारी जो है आपकी बेसिकली सारी कमांड जो प्रिंट कमांड जो है आउटपुट बताती है, इनपुट कमांड जो होती है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करती है, लेट कमांड हम न्यूमेरिक में यूज करते हैं, सी एल एस कमांड हमारी क्लियर करती है स्क्रीन को, ठीक है। ये सारी आपकी इसमें कमांड दे रखी हैं, बाकी की कमांड्स आप एक बार मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।